मुझे पता चला कि इस मंदिर का जो ऊपर वाला डिज़ाइन है उसके लिए फेमस है ये मंदिर भी और इस मंदिर का भी। ये मंदिर का मतलब अगर पढ़ेंगे आप तो नॉर्थ इंडियन स्टाइल का जो मंदिर बनाने का आर्किटेक्चर था उसका पार्ट है, मतलब यही फेमस है। नौलखा पता नहीं बट हाँ ये फेमस था, तो मैंने आपको ये मतलब बताना ज़रूरी समझा। इसमें क्या होता है निखिल? इसमें जो पूजा होता है ना गर्भगृह में, हाँ। उसका सब फूल वूल यहाँ पे डायरेक्ट एकदम डिजाइन से बना के एकदम मस्त, देखने में भी अच्छा लग रहा है सब अच्छा से निकाल। तो आपने जैसा सुना कि जो गर्भगृह में जो मंदिर का मेन पार्ट होता है गर्भगृह, उसमें हाँ आए थे उधर भी गए थे, तो उसमें जो पूजा होता है तो वहाँ से पानी का ये निष्कासन का साधन है जो कि अच्छा है, इनोवेटिव आइडिया लगा मुझे। और ये जो ऊपर मंदिर के ऊपर ये कंस्ट्रक्शन है कुछ सोना टाइप का दिख रहा है, उसमें सोना का लेप चढ़ाया हुआ है शायद, ऐसा मुझे सुनने को मिला बट मैं कंफर्म नहीं हूँ। और एक फ्लैग लटका हुआ है, पता नहीं ये फ्लैग किस चीज़ का है, मे बी कुछ धर्म वगैरह से रिलेटेड होगा, जैन धर्म से रिलेटेड। हाँ जैन मंदिर है ये तो, जैनिज्म का ही मंदिर है ना पूरा। हाँ श्वेतांबर करके कुछ है। तो ये मंदिर मेनली इसके अपने कार्विंग के लिए फेमस है, जो इसमें बारीक कार्विंग किया हुआ है ना उसके लिए फेमस है। मैं कोशिश करता हूँ कि आपको इसका पूरा व्यू दे दूँ, देखिए कितना बारीक कार्विंग किया हुआ है। आप यहाँ से मंदिर को कार्विंग को बहुत ही अच्छे तरीके से देख सकते हैं, कितना ब्यूटीफुल लग रहा है ये। चलिए दोस्तों तो अब इसे यहीं पे ख़त्म करते हैं, थैंक यू।